नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पथरी जैसी समस्याओं से लड़ने का घरेलू रामबाण उपाय बताने वाली हूँ, जिससे आप घर बैठे पथरी की समस्याओं से का सामना कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना, डॉक्टर के पास कोई खर्चा नहीं लगेगा आपको, आप घर बैठे बैठे इसकी समस्याओं का उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, किडनी में स्टोन होना आजकल एक आम समस्या हो गई है। यूरिन में रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं, यूरिक एसिड, फास्फोरस, कैल्शियम, यही सारे रासायनिक तत्व स्टोन बनाने में के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। इसके साथ ही अधिक मात्रा में विटामिन डी का सेवन करने से, शरीर में लवणों के असंतुलन होने से और अनियमित डाइट की वजह से किडनी में स्टोन हो जाता है। किडनी में स्टोन हो जाने की वजह से पेट में दर्द होता है और जो कि बहुत ही तेज होता है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा बार बार यूरिन डिस्चार्ज करना, शौच के दौरान दर्द होना, बहुत ही ज़्यादा पसीना आना और उल्टी होना इसके लक्षण हैं। हालांकि इसके उपचार के लिए कई तरह की दवाइयां बाज़ार में उपलब्ध हैं और ऑपरेशन से भी इसका इलाज संभव है, लेकिन आज की इस खास वीडियो में मैं आपको पथरी से लड़ने का घरेलू उपाय बताने वाली हूँ घर बैठे जड़ से। तो दोस्तों, अगर आपके पेट में पथरी है तो इसके लिए पथरचट्टा नाम का एक पौधा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पथरी की समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने के लिए। दोस्तों, पथरचट्टा के पौधे का एक पत्ता ले और उसे मिश्री में कुछ दाने मिलाकर पीस ले। किडनी में पथरी की समस्या के लिए पथरचट्टा को सबसे ज़्यादा कारागार माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये प्रोटेस्ट ग्लैंड और किडनी स्टोन की समस्याओं को निजात दिलाने में काफ़ी मददगार होता है। दोस्तों, इस तरीके से हम घर बैठे बैठे पथरी जैसी समस्याओं का इलाज कर सकते हैं, इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। हमें कहीं नहीं जाना होता, हमें सिर्फ अपने घर के अंदर एक पथरचट्टा का पत्ते लाने होते हैं, उसको मिश्री के दाने में मिलाकर आप इसको घर में सेवन कीजिए। आपको कुछ दिनों में पथरी की समस्याओं से राहत मिलेगा, 10 दिन के अंदर आप इस समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर लेंगे। दोस्तों, होप सो आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों, अगर से आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको हमारा ये घरेलू उपाय कैसा लगा।